हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे 3x3 क्यूब सॉल्व करते हैं। गाइस, चलिए अब हम आपको बताएंगे कि 3x3 क्यूब पे डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। आपने सीख लिया होगा कि 3x3 क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें आप ऐसे देखेंगे, आराम से सीख जाएंगे आप 3x3 क्यूब सॉल्व करना। गाइस, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इस पर डिज़ाइन बनाना। मैं आपको 3 डिज़ाइन डेली सिखाऊंगा 3x3 क्यूब पे, क्योंकि आपको ऐसे सॉल्व करना आ जाए तो कोई कहे भाई कि ये डिज़ाइन बना के दिखाओ ना, तो अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो गाइस, चलिए हम इस पर डिज़ाइन बनाते हैं। सबसे यानी कि आप इसकी एल्गोरिदम याद भी नहीं करोगे, आप बस देखेंगे तो आपको ऐसे हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस चालू करते हैं। सबसे ईजी डिज़ाइन है चेकर बोर्ड। उसके लिए सबसे पहले क्यूब को किसी भी साइड से पकड़िए, 1 2 ये कर दिया, फिर उसके बाद 1 फिर 2। गाइस, यहाँ डिज़ाइन दिख रहा है आपको, डिज़ाइन है गाइस। ये चेकर बोर्ड चेस जैसा नहीं लग रहा? हाँ, चेस में आप में से कोई खेलता होगा चेस, वो देखिए चेस जैसा लग रहा है। फिर से भी करिए 2 बार और फिर यूँ, देखिए गाइस ये बन चुका है हमारा डिज़ाइन चेकर बोर्ड। गाइस, सबसे ईजी और सबसे जल्दी सीखने वाला डिज़ाइन है ये। देखिए गाइस कितना सही लग रहा है ये क्यूब। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, वैसे करेंगे, देखिए वही सॉल्व भी हो गया और बन भी गया था। अब आपको सिखाता हूँ डोनट पैटर्न, वो थोड़ा ट्रिकी है लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले ये लाल वाला है, कोई सा भी आप, ऐसे मैंने लाल वाला लिया, इसे लेके आइए। अब इसका सेंटर इससे अलग करना है, सेंटर अलग कर दिया इसका, फिर से ऊपर कर दिया, फिर गाइस इसे यूं ला दिया। गाइस देखिए, जापान का झंडा बन गया और ये पूरी जगह चेकर बोर्ड नहीं गाइस, सॉरी, ये डोनट पैटर्न बन गया। देखिए गाइस कितना सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपन ने इसके ये सेंटर्स निकाल के इधर उधर लगा दिया, लेकिन गाइस ये पैटर्न है। और ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन कितना सही लग रहा है। तो गाइस चलिए इसे सॉल्व करना भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये येलो वाला है, ये येलो वाले को लगाया। अब इधर देखेंगे, इधर कहीं ब्लू, ये रहा ब्लू, इसे लेके आएंगे, फिर से इसकी जगह पे, इसकी जगह पे। देखा गाइस कितना इजी था। अब मैं आपको यानी इस वीडियो का सबसे सही पैटर्न बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप करते जाना आपका ऐसे बन ही जाएगा। पहले इसे आगे, इसे पीछे, फिर टर्न आगे पीछे, टर्न आगे पीछे, टर्न आगे पीछे, टर्न आगे पीछे, टर्न आगे पीछे। ऐसा लग रहा है ना सॉल्व हो गया गाइस, वो है ट्रिक नहीं गाइस, दिस इज स्नेक पैटर्न। गाइस देखा कितना इजी में बन गया, यानी कि बस अपन ने ये आगे पीछे टर्न ऐसा ही करा और कितना सही डिज़ाइन बन गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।